हेलो एवरीवन मैं मैं रूपाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू रूपालीस किचन तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के साथ में जो केक शेयर कर रही हूँ इसके साथ में मैंने भी अपना थोड़ा सा फोटो सेशन करा लिया था क्योंकि मेरे पास में मैचिंग मैचिंग ड्रेस थी इसलिए तो ये केक जो है ये केक हम मुझे ऑर्डर मिला था रेड एंड गोल्डन के थीम में तो जो कस्टमर थे उनको रेड एंड गोल्ड कलर का केक uh, चाहिए था और मैंने वही करने की कोशिश की है हालांकि मेरे पास में गोल्डन कलर की ड्रिप्स जो बाज़ार में रेडीमेड आती है वो मेरे पास में नहीं थी पर एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा के मैंने इसको कंप्लीट किया है एंड आई होप आपको मेरा ये केक का डिज़ाइन और ये केक की रेसिपी पसंद आई आएगी एंड अगर पसंद आती तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो यहाँ पर बना लेते हैं सबसे पहले बेस तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ बेस की तैयारी और ये एक हाफ के जी का केक था तो यहाँ पे मैंने वन कप का जो है प्रीमिक्स लिया है और बस इसमें पानी डाल के इसका हमें बैटर तैयार कर लेना है स्मूथ सा जिसमें कोई लम्ब ना हो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे एक सारा एक साथ में पानी नहीं डालेंगे नहीं तो हमारा बैटर पतला हो सकता है हमें एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी का ना कि पतला ना कि गाढ़ा इस तरीके का हमें बना लेंगे तो ये हमारा पाइन का केक है तो मैं इसमें डाल रही हूँ तीन चार बूंदें पाइनएपल इमलशन की और इसको मिक्स कर लेंगे इमलशन को इमलशन क्या होता है इमलशन जो होता है इसमें फ्लेवर भी होता है इसमें थोड़ा सा कलर भी होता है और फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है इसमें तो यहाँ पर मैं अपने केक टेन को तैयार कर रही हूँ इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है इससे हमारा केक जो है वो चिपकेगा नहीं तो यहाँ पे इसका अब जो बैटर को है इसमें अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से डैप कर लेंगे ताकि कोई एयर बबल हो तो वो इजीली रिमूव निकल जाए तो अब यहाँ पे मैंने अपने भकोने को जो है वो पहले प्रीहीट करने के लिए रख दिया था अब इसके ऊपर मैं अपने बेस को मतलब बेस वाले बटन को इसमें रख दूंगी और इसको ढक्कन लगा के इसमें मैंने जो ऊपर जो एयर पॉकेट होते हैं ना उसको मैंने बंद कर दिया ताकि हमारा केक अच्छे से बन जाए तो ये देखिए हमारा केक बढ़िया सा बन के तैयार हो गया है इसमें एक टूथपिक डाल के इसको मैं चेक कर लूँगी अगर जब इसमें बैटर लगता है तो मतलब हमारा केक नहीं पका है तो यहाँ पे अब कर रहे हैं हम इसका डेकोरेशन तो मैंने इसकी तीन लेयर्स कट कर ली थी और ये आपको अब मैं अपने केक की फर्स्ट लेयर को इसके ऊपर रख लूंगी और यहाँ पे मैंने क्या किया पानी के अंदर अपना जो पाइन एपल क्रश होता है ना उसको मिक्स कर लिया है अब उसी से हम इसे सोक करेंगे तो आप चाहो तो नॉर्मल शुगर और पानी से के मिक्सचर से भी उसको केक को मॉइस्ट कर सकते हो पर यहाँ पे मैंने इसमें इमल्शन डाल दिया ताकि और अच्छा पाइनएपल का जो है वो फ्लेवर आए इसमें तो उसको केक भी को जो है वो अच्छे से सोक कर लेंगे और अब इसके ऊपर पहली लेयर क्रीम की लेयर लगाऊंगी अच्छे से तो यहाँ पे मैंने क्रीम के लेयर को अच्छे से लगा के इसको फैला लेंगे चारों तरफ अच्छे तरीके से इवन कर देंगे उसको तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है क्रीम को और अब इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं पाइन का जो क्रश है उसको डाल लूँगी अभी मेरे पास में ये सेकेंड पाइन का जो है वो ऑर्डर आया है इसके पहले मुझे चॉकलेट के ही ऑर्डर ज़्यादा आते हैं और बच पता नहीं क्यों बच्चों को चॉकलेट केक इतना ज़्यादा पसंद आता है तो चॉकलेट केक के ही मुझे ऑर्डर ज़्यादा आते हैं और पाइन का ये पहला और एक और पाइन का मुझे ऑर्डर आया था ये दो ही अभी तक पाइन के ऑर्डर्स मुझे आए हैं वैसे मुझे पर्सनली जो है पाइन केक बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को कौन सा केक ज़्यादा अच्छा लगता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा वैसे मुझे रसमलाई केक भी बहुत अच्छा लगता है पर खैर मेरी पसंद से क्या होता है कस्टमर को जो पसंद है हमें तो वही बनाना है तो यहाँ पे हमने रख दिया फाइनल लेयर और अब इसके बाद में जो है वही उसको सोक कर दिया है और उसके ऊपर क्रीम लगा देंगे चारों तरफ से क्रीम को अच्छे से कवर कर देंगे और उसको क्रम कोट करके मैंने एक घंटे के लिए या पंद्रह बीस मिनट के लिए भी कम से कम उसको फ्रिज में रख देना चाहिए वो रखने के बाद में फिर उसके बाद में उसकी फाइनल लेयर करेंगे पर यहाँ पर मेरे पास में टाइम कम था ये क्योंकि ना अर्जेंट वाला जो ऑर्डर होता है ना वो था ये तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट उसकी लेयरिंग कर दी है केक की और क्योंकि इसके ऊपर मुझे रेड कलर का बनाना था तो रेड कलर की भी क्रीम अब इसके ऊपर हम लगा देंगे तो ये मैंने अलग से रेड कलर की रेड तो बनता नहीं है थोड़ा पिंक टाइप का बन गया था कोई बात नहीं इसके ऊपर हम स्प्रे कर देंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा है ना तो इसके बाद में क्रीम को अच्छे से फैला दिया और इसको फ्रिज में रख दिया था फ्रिज में रखने के बाद से ना मुझे ऐसा लगता है कि क्रीम में ना कलर थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाता है और रेड कलर का हो जाता है तो आप ये ट्रिक एक बार ट्राई करके देखिए अगर आपने आपके केक में जो है वो डार्क रेड कलर चाहिए तो क्रीम को बनाने के बाद में उसे फ्रिज में रख दीजिए तो उसमें और डार्क कलर थोड़ा सा आ जाएगा तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोजेस मैंने यहाँ पे छोटा सा रोज रोजने वो लिया है रोज वाला नोजल लिया है जिसमें थोड़ा सा कर्व टिप होती है ना वो वाला लिया है तो मुझे यहाँ पे केक मेरा छोटा सा था और इसके ऊपर बड़ा अगर रोज रख देती तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो इसीलिए मैंने छोटा बनाया है और इस बार कोशिश करिए कि मैं वीडियो में दिखा पाऊँ कि मैंने रोजेस कैसे बनाए हैं कुछ नहीं बस थोड़ा सा क्रीम लेना उसके ऊपर जो है पहले एक गोल करके उसकी टिप बना लेनी है और फिर उसके बाद में यू शेप में इसकी पेटल्स बनाते जाना है तो यहाँ पे हमारा ये रोज बन के तैयार हो गया इसी तरीके से दो रोज ऊपर रखे हैं और दो रोजेस मैंने नीचे रखे हुए हैं ठीक है तो यहाँ पे मैंने अपने रोज रख दिए और अब यहाँ पे हम कर रहे हैं ड्रिपिंग तो यहाँ पे मैंने क्या किया वाइट चॉकलेट लिया वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था और अब वाइट चॉकलेट से हम इसकी ड्रिप्स बना रहे हैं क्योंकि मेरे पास में जो है गोल्डन कलर की ड्रिप्स मार्केट में आती है वो थी नहीं और जो कस्टमर थे उनको ऑयल वाल ऑयल वाला नहीं चाहिए था जो ऑयल वाली जो ड्रिप्स बनाते हैं ना वो नहीं चाहिए थी तो उसके लिए मैंने ये किया है वाइट चॉकलेट से मैंने उसकी ड्रिप्स बना दी है अब जी, जी चॉकलेट सेट हो जाएगी उसके बाद में हम इसको गोल्डन कलर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे पहले इसकी बॉर्डर बना लेती हूँ नीचे तो यहाँ पे मैंने सिंपल पाइपिंग बैग में छेद कर लिया था और इसके पर्ल्स जैसे इसकी वो बना लिए बॉर्डर और यहाँ पे रोज जो थे हमारे वो फीके फीके से लग रहे थे तो मैंने इनको डार्क जो स्प्रे कलर होता है उससे रेड कलर कर दिया है तो मैं जो है रेड कलर के हो जाएंगे फ्लावर्स तो अब यहाँ पे मैं गोल्डन वाले जो आते हैं बॉल्स आती हैं वो लगा रही हूँ उनसे इसको डेकोरेट कर रही हूँ ये एडिबल नहीं होते हैं ये प्लास्टिक के होते हैं तो ये केवल डेकोरेशन के लिए होते हैं खाने के लिए नहीं होते हैं तो ऊपर भी लगा दिए कुछ थोड़े से नीचे भी लगा दिए हैं और अब बारी आती है जो गोल्डन कलर की लस्टर डस्ट होती है उस लस्टर डस्ट को मैंने एवेपरेटर जो होता है उसमें मिक्स कर लिया था और अब इसके ऊपर इसको पेंट की तरह ब्रश से कर देंगे तो ये हमारी गोल्डन ड्रिप्स बन के खूबसूरत सी गोल्डन ड्रिप्स बन के तैयार हो जाएंगी और इसी तरीके से हमारा रेड एंड गोल्डन कलर का केक बन के, के तैयार हो गया है आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है अभी मैंने थोड़ा सा और इसके ऊपर गोल्डन कलर का जो है वो स्प्रे कर रही हूँ तो बिल्कुल थीम होनी चाहिए ना किसी ने बोला कि रेड एंड गोल्डन तो मैं उनको रेड एंड गोल्डन ही दे रही हूँ यहाँ पे सब लोग आ गए देखने के लिए कि केक कैसा बना हुआ है एंड आप लोगों को ये केक का डिज़ाइन कैसा लगा और ये केक डेकोरेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस में आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा तो मुझे तो पसंद आया कस्टमर को भी बहुत पसंद आया तो थोड़ा सा कैमरे का वो हो रहा था नहीं तो केक रेड एंड गोल्ड ही बनाता थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो जाता है ना तो और इसी के साथ में मैंने अपना भी फोटो सेशन करा लिया था मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय